नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिवेनी शर्मा। मध्य प्रदेश में बुधवार रात भोपाल, भिंड और विदिशा में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। एक घंटे की मूसलाधार बारिश में विदिशा में कई इलाकों में पानी भर गया। बिजली गिरने से यहां एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि एक युवक झुलस गया। इधर भिंड में तेज बारिश के बाद पोष कॉलोनी में पानी भर गया। वहीं गुरुवार को भी 6 जिलों में आंधी चलेगी और बारिश होगी। इनमें भोपाल, गुना, अशोकनगर, विदिशा और नर्मदापुरम जिले शामिल है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई झीलों में भी मौसम बदला रहेगा। यहां आंधी और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। ऐसा वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रक लाइन की वजह से होगा। वहीं विदिशा में देर रात हुई बारिश से सड़कों पर 1.5 फीट तक पानी भर गया। नालियों की गंदगी सड़कों पर बहने से लोग परेशान हुए। वहीं मोहनगिरी, बरीपुर, नीमताल, बक्सरिया, डंडापुरा, गल्ला मंडी गेट, नंदीपुर सहित शहर के कई इलाकों में घरों और दुकानों में लोग सामान खराब होने से बचाने की कोशिश करते रहे। वहीं हाटखेड़ा में खेत में पेड़ पर बिजली गिर गई। पेड़ के नीचे खड़े बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग का नाती झुलस गया। वहीं आपको बता दें कि भिंड जिले में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 3 बजे तेज बारिश हुई। पौष कॉलोनी, शास्त्री नगर, ब्लॉक ए और बी में जल भराव हो गया। बाईपास रोड पर शास्त्री चौराहे लेकर सीता नगर तक शास्त्री नगर की हर गली पानी से लबालब है। वहीं शास्त्री तिराहे से भरोली तिराहे की और ट्रेडर्स शोरूम के आगे का चबूतरा धसकर नाले में गिर गया। नाला ब्लॉक होने से पानी आसपास के घरों में घुस गया। पुलिस लाइन में भी पानी भर गया। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को प्रदेश में मौसम के दो रंग देखने को मिले थे। ग्वालियर में 1.8 इंच और धार में 1.25 इंच पानी गिर गया। वहीं सीधी, उमरिया, बैतूल, गुना, रतलाम और उज्जैन में भी हल्की बारिश हुई। दूसरी ओर निवाड़ी का पृथ्वीपुर सबसे गर्म रहा। यहां पारा 43.5 डिग्री दर्ज किया गया तो छतरपुर के बिजावर, दमोह और ग्वालियर में तापमान 40 डिग्री के पार रहा। वहीं आईएमडी भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन बताती हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से बारिश, आंधी और गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। गुरुवार को मानसून आगे बढ़ेगा। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।